तो वसीले के ताल्लुक से एक सवाल, ये जैसे कुरान हम आयत पढ़ते हैं कि ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, तो हम ये आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये आयत जो है किसके वसीले से तुम तक पहुंची, मतलब ये डायरेक्ट तो अल्लाह ताला ने तुमसे कहा नहीं है, तो जिस वसीले से पहुंची तो उसी को वसीले के लिए दलील पकड़ रहे थे, तो मुझे घूम गया मैं सवाल में। इसमें तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई अल्लाह के रसूल के वसीले से आई है, तो हम मशरू वसीले के तो कायल हैं, जायज वसीले हैं। अंबिया जायज वसीला है उम्मत के लिए, लोगों के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। इस वसीले से हमको हिदायत, बगैर वसीले के तो हम हिदायत के कायल नहीं है। बगैर यानी कि क्या नाम से कोई जो है कुरान हदीस का वसीला लिए बगैर अगर दावा करे हिदायत का, अम्बिया की तालीम के बगैर अगर कोई दावा करे हिदायत का, आजाद होकर के उलमा से अगर कोई दावा करे हिदायत का, तो हम कायल ही नहीं इसके। तो हम क्या कहते हैं वसीला नहीं। भाई वसीला कुछ जायज है कुछ नाजायज है, जायज वसीला इख्तियार कीजिए, नाजायज वसीला छोड़ दीजिए। बहुत सीधी सी बात है। आपको बात समझ में आ गई बाबा 26, जायज और नाजायज वसीला समझ में आ गई? जैसे सहाबा उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने कहते हैं, तो ये तो हमने खुद बताया ना, ये जायज वसीला है, साबित शुदा वसीला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि दुआ करें, तो जायज वसीला साबित है, हम लोग मानते हैं। और जो नाजायज, जो गैर साबित शुदा वसीला है, जो इतनी देर से हमने बताया है, काफी मिसालें आ चुकी है इसकी, तो वो नहीं साबित है। एक चीज को कभी नहीं भूलना कि सहाबे कराम का जो फहम है ना, जो तरीका है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस हदीस से, तो इस आयत, ये आयत तो नबी के वसीले से मिली है, तो आप बताइए कि आपको पहले मिली है सहाबे कराम को पहले मिली है? सबसे पहले सहाबे कराम को आयतें मिली ना, सबसे पहले सहाबे कराम को हदीस मिली, तो क्या उन्होंने ये मतलब निकाला इसका कि चलो नबी के वसीले से दुआ करते? नहीं, तो उन्होंने उन आयात का जो मतलब समझा सहाबे कराम ने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुद अल्लाह ताला ने मोहर लगाई उनके फहम पर, बल्कि कुरान में कहा अल्लाह ताला ने कि सहाबे कराम की तरह तुम्हारा ईमान होना चाहिए। तो इसलिए सहाबे कराम के तरीके पर हमें कुरान मजीद की आयात को समझना चाहिए, उसमें वसीले की दलील होती है, तो सहाबे कराम भी उस पर उस तरह से, जो वसीला आप साबित करना चाहते हैं, सहाबे कराम ने उससे वसीले की दलील नहीं लिया, जो वसीला आप साबित करना चाहते हैं, इसलिए हम उस वसीले के कायल नहीं है। हाँ, जो वसीला साबित है, जैसे वक्त को ले, वसीला कुरान में है ना, बाकायदा वसीले के वर्ड से भी है। अब उसकी जो तशरीह है, उसका जो माना मफहूम है कि वो नेक अमल का वसीला आप ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, उससे कौन आपको मना कर रहा है। लेकिन हर तरह का वसीला जो नाजायज है, जो बात तो शिर्क पर मबनी है, तो वसीला नहीं है, बल्कि वो तो तबाही है अपने लिए, इसलिए उससे बचना चाहिए।